बच्चों, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव टू डिस्कस हाउ टू मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स पॉलीनोमियल एक्सेट्रा. टुडेज वी हैव टू डिस्कस ए न्यू टॉपिक्स इन अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स? तो आप कहोगे ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम इज नोन एज ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि एक मैट्रिक्स हमारे पास है, यहाँ पे एक ए, एक मैट्रिक्स हमारे पास है ए, ए आई जे, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है. तो देन हमने डिफिनेशन बताया, ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम. तो जब इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो देन ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड एज आप उसको कैसे डिनोट करोगे? आप ए के ऊपर ऐसे डैश का साइन लगा दीजिए, या आप क्या करिए, इसको ए की पावर टी लिख दीजिए. एंड दिस ए डैश जो होगा, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, रो की जगह कॉलम और कॉलम की जगह रो को लिख देंगे. फॉर एग्जाम्पल, सी, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, 2, 3, 5, 1, 2, -1, दिस इज अ मैट्रिक्स, 2 रो एंड 3 कॉलम, इसमें 2 रो और 3 कॉलम है, तो देन इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा वो ए डैश जो होगा, तो क्या करेंगे हम लोग ऐसे कि बस इसका फर्स्ट रो इसके फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा. तो 2, 3, 5 एंड 1, 2, -1, और इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2. तो समझ में आ गया है? तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है? ए मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग इट्स रो एंड कॉलम है, और जनरली रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर कोई मैट्रिक्स ए है तो ऊपर ए डैश लिख दे या ए की पावर टी लिख देते, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी. इसके बाद हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक्स में चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स. प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको. देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जिनको फॉलो करना है आपको? प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जनरली इसमें 4 प्रॉपर्टी को फॉलो करना होता है. पहले हम लोग प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, फिर 1 by 1 सबका एक एक एग्जांपल लेकर के वेरीफाई करते हैं. तो उसमें क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हमारे पास ए और बी कोई दो मैट्रिक्सेस है, तो ए प्लस बी, ए इज ए मैट्रिक्स, बी इज ए मैट्रिक्स, तो ए प्लस बी इज ऑल्सो ए मैट्रिक्स, दिस इज ए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर अलजेब्रा. तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है ए डैश प्लस बी डैश. दूसरी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास कोई एक स्केलर है, रियल नंबर, एक हमारी कोई एक मैट्रिक्स है, हम इसका ट्रांसपोज करें या हम इसको ऐसे लिखें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है आपकी, उसमें क्या करते हैं हम लोग ऐसे कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स होता है. फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है बेटा, अगर एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, और इफ ए एंड बी आर कंपेटेबल, अगर इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तो हम अगर इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये हमेशा रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है. तो इन 4 प्रॉपर्टी पे ही लगभग हमारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं. पहला, ए प्लस बी ट्रांसपोज, के इंटू ए, दिस, ठीक, आई एस के बाद
इन पे कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख के चेक कर लेते हैं, या पहले पूरी एक एक एग्जाम्पल लगा लेते हैं सबका। ओके चलिए, इसके बाद आइए इन प्रॉपर्टी को जरा सा एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं। जैसे देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, ए एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, बी एक एक मैट्रिक्स है, हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने का मतलब पहला 2A ट्रांसपोज ए प्लस बी, तो हम लोग एक एक करके वन बाई वन प्रूफ करते हैं। तो यही देखो लगभग चारों प्रॉपर्टी है, सम वाली हो गई आपकी, प्रोडक्ट वाली हो गई, स्केलर वाली हो गई, एक ट्रांसपोज वाली हो जाएगी। चलिए आइए से दिस, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, एक एक करके वन बाई वन करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट, सबसे पहले हम लोग 2A डैश की बात करें, तो 2A हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज ए 2, इट इज अ माइनस 1, 5, 3 एंड 2, ठीक। तो ये 2A डैश वाली प्रॉपर्टी जो होगी, ये पता है कितनी होगी, 2 इंटू ए डैश होगी। दिस इज वेरीफाई करना जब हम लोग को ऐसे, तो ये पहले 2A करते हैं हम लोग, तो 2A क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज ए माइनस 2, इट इज ए 10, इट इज ए 6 एंड इट इज ए 4। तो देयरफॉर 2A डैश ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स 2A, तो क्या करेंगे हम लोग, इसके फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और इसके सेकंड रो को इसके सेकंड कॉलम, दिस इज ए 1 बना लिया। फिर अब उसके जब राइट हैंड साइड की बात करें हम लोग, तो राइट हैंड साइड आपका था ऐसे 2 into A dash 2 एंड मैट्रिक्स इज दस, इसका ट्रांसपोज कितना होगा, तो इसका ट्रांसपोज होगा माइनस 1, 5, 3 एंड 2। जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2, 6, इट इज अ 10, इट इज अ 4, तो इट इज अ 1, इट इज अ 2, फ्रॉम 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या देखा है कि 2A ट्रांसपोज ऑफ ए 2A इज इक्वल टू 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो ये पहली वाली तो वेरीफाई हो गई, क्लियर। इसके बाद इसकी सेकेंड वाली प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं हम लोग। देखिए सेकेंड वाली प्रॉपर्टी का वेरीफाई कैसे करेंगे, आइए देखा जाए फिर से। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो सबसे पहले आप ए प्लस बी फाइंड आउट करिए। तो मैट्रिक्स ए इज दिस 1, माइनस 1, 5, 3 एंड 2 एंड मैट्रिक्स बी इज 3, माइनस 2, 5 एंड 4, ऐड देम, उनको जोड़ देंगे, तो सिंस वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ओनली दोज मैट्रिसेस हुज ऑर्डर इज सेम, तो माइनस 1 एंड 3, दिस इज अ 2, 5 माइनस 2, इट इज अ 3, 3 प्लस 5, इट इज 8, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे हमें ये a प्लस बी मिल गया, तो देयरफॉर ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो 2, 3, 8, 6, लेट अस सपोज दैट इट इज ए 1। जब आप उसके राइट हैंड साइड पे चलते हो तो व्हेन यू सॉल्व द राइट हैंड साइड ऑफ दिस 1, तो वो हमारा है a डैश प्लस बी डैश, मतलब दिस इज अ मैट्रिक्स ए, तो इसका ट्रांसपोज होगा -1, 5, 3 एंड 2, और बी मैट्रिक्स हमारी ये है, इसका ट्रांसपोज होगा 3, -2, 5 एंड 4। नाउ वी हैव टू ऐड देम, इनको जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो करस्पॉन्डिंग -1 प्लस 3, दिस इज ए 2, 3 प्लस 5, इट इज ए 8, 5 प्लस -2, इट इज ए 3, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, इट इज ए 2। फिर हमने क्या देखा यहाँ से, फ्रॉम 1 एंड 2 ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ये हमारा सेकेंड वाला प्रूफ हो गया। अब इसी तरह से हम लोग थर्ड वाले को कैसे प्रूफ करते हैं, आइए देखा जाए। अगर हम थर्ड वाले को प्रूफ करना चाहते हैं को देखिए, थर्ड में हमें ए बी ट्रांसपोज ऑफ ए बी निकालना है, तो ए बी पहले ए बी निकालेंगे, तो ए हमारा आएगा ए इज दिस -1, 5, 3 एंड 2 एंड दिस इज ए 3
माइनस टू, फाइव एंड फोर, सिंस ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू क्रॉस टू, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू क्रॉस टू, इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए बी इज ऑल्सो टू क्रॉस टू। तो जब आप पहले ए बी को फाइंड आउट करोगे तो पहला सबका पहला ये जरूरी होता है कि पहले से डिसाइड कर लेना कि जो ए बी मैट्रिक्स आएगी हमारा वो ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू होगा फर्स्ट रो। तो बस यहाँ पे ए वन वन जो होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये देखिए माइनस वन इंटू थ्री प्लस 25, माइनस वन इंटू माइनस टू ये टू आ जाएगा और प्लस फाइव फोर जा 20 आ जाएगा। इसके बाद देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम दैट एलिमेंट, तो थ्री थ्री जा 9 और प्लस 10, फिर ये थ्री टू जा माइनस 6 प्लस 8। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन तो यहाँ से ये मिल रहा है 25 माइनस 3, दिस इज द 22, ये आपका मिल जाएगा 90, ये हो जाएगा 22 और ये हो गया हमारा ऐसे। तो ये हमने ए बी पता कर लिया। तो ए बी डैश कितना होगा, मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी। तो हम क्या करेंगे, इसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे। तो इट इज ए 2 2, दिस इज अ 19 एंड 20, सॉरी इट इज अ 2, इट इज अ 1। अगेन दोबारा चलते, एक्चुअली हमें इस वाले को वेरीफाई करना था, तो इसमें हमें बी डैश और ए डैश की जरूरत पड़ेगी, ट्रांसपोज ऑफ बी डैश एंड ए डैश। तो यहाँ जब आप ट्रांसपोज ऑफ बी डैश करोगे तो ए डैश करोगे, तो सबसे पहले क्या करो, ये मैट्रिक्स बी है तो इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। इसका ट्रांसपोज होगा 3 माइनस 2 5 एंड 4, एंड ट्रांसपोज ऑफ है दिस वन -1 5 3 एंड 2। मतलब हमने क्या किया, इनके रो और कॉलम को इंटरचेंज करके लिख दिया। अब इसका ऑर्डर भी हमारा वही आएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ पे मैट्रिक्स लिखनी होती तो हमने अब यहाँ पे B11 B12 B221 और B22 ऐसे मैट्रिक्स लिख लिया। अब ये B11 क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो तो फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम 3, ये आएगा -3 प्लस 25, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 9 प्लस 10। इसके बाद देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 20, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -6 प्लस 8। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन ये हमारा 22, दिस इज अ 19 एंड इट इज ए 22 एंड इट इज ए 2, इसको हमने बना लिया 2। अब जरा ध्यान से देखो 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी फाइंड दैट, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने ये देखा कि ए बी ट्रांसपोज जो होता है दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये इस पर वेरीफाई भी होगा। तो ये चार आपको याद रखना है कि अगर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए डैश प्लस बी डैश, अगर ए बी है तो रिवर्सिबल लॉ को फॉलो करता है। अब इसके बाद आइए इसमें कुछ और टर्मोलॉजी के बारे में बताना है कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है। इसके बाद देखिए मेन हम लोग को सीखना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक कब कहोगे, तो ये कहेंगे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आता तो उसी को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहें। तो डेफिनेशन क्या बनेगी हमारी, ये कहेंगे कि इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक वर्ड जब आएगा उसके लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज itself, then it is called symmetric matrix. That is, अगर एक square matrix A है वो symmetric है तो उसका transpose उसी के बराबर होता है, ये point remember रखना आपको। For example, अगर आप ध्यान से देखिए कि ये एक matrix हमारे पास है, अगर हमने इसको A ले लिया है और इसको हमने B बना दिया, तो हम इसका अगर transpose करते हैं तो कैसे, देखिए transpose करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे लिख देंगे, ठीक है। तो अब ये बताना है कि क्या ये ट्रांसपोज है कि नहीं है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पे लिखते हैं तो 1 2 5 4 2 6 5 6 -3, क्या ए डैश ए के बराबर आ रहा है, देखिए ध्यान से इसका
125 है, ये 145 है, तो बराबर नहीं ना रहा है। इसके बाद अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं तो 3 - 6 - 9, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पे और थर्ड रो को थर्ड कॉलम पे। तो हमने क्या देखा, इसका मेन डायगोनल ये है और इसका मेन डायगोनल ये है। अब आप कैसे पहचानोगे, देख करके, प्रूफ करना अलग चीज़ है, देख करके कैसे पहचानोगे। तो यहाँ पे ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा है ए ट्रांसपोज इज नॉट इक्वल टू ए। तो ये वाली मैट्रिक्स जो हमारी है इट इज अ नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेकिन अगर बी की बात करें तो बी ट्रांसपोज जो है ठीक बी के बराबर आ रहा। तो यहाँ पे क्या आ रहा हमारा, बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी। तो दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देख के कैसे पहचानोगे ये सीखना है आपको। तो पहचानने का जो तरीका होता है कि जो मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिस इज, ये मेन डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट एक होंगे, तो ये पहचान होती है। अगर देख के आपको पहचानना है कि कैसे कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी है, तो जो मेन डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम होंगे, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट तो सेम है, ये एलिमेंट तो सेम है, लेकिन ये वाला एलिमेंट सेम नहीं था। इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं थी, जबकि ये वाली मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इस दूसरा कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो सिंपल आप ऐसे क्या करोगे कि अगर सिमेट्रिक होगा हमारा, अगर ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास है, तो जब सिमेट्रिक होगी तो ए डैश बराबर ए के होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई के बराबर हो जाता है। अगर रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिंपल ये चीज। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे टर्मोलॉजी इसमें है उसमें बताना हमें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बाद हमें बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्क्यू कैसे पहचानेंगे हम लोग, स्क्यू पहचानने का तरीका क्या होगा, तो आप ये क्या कहोगे, इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ। क्या होगा ट्रांसपोज, जब आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे सिंपल ऐसे, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन जब लिखेंगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, शॉर्टकट में लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज नेगेटिव ऑफ, क्या होगा, नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, देन इट इज कॉल्ड, यहां पे बस हम क्या वर्ड जोड़ देंगे, स्क्यू, एस के, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए हमारे पास कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो होगा क्या कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अब कैसे देख के पहचानोगे कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो यहाँ पे इन दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए हम लोग, तो यहाँ पे अभी तो देखो नेगेटिव के बराबर नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ, किसी एक को मिटा दूँ, तो मैंने क्या किया कि पहले वाले एग्जाम्पल को ऐसे रिमूव कर दिया। ओके, अब हमें इस मैट्रिक्स को स्क्यू बनाना था, तो इसको स्क्यू बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये दिखाते हैं आपको। इसको स्क्यू बनाने के लिए क्या करेंगे, स्क्यू का बस सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट को बना दोगे जीरो, और जो मेन डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट में एक तरफ प्लस, तो इसको माइनस बना दिया, इधर यहां माइनस बना दिया और इसको प्लस कर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहचानने का जो तरीका होता है कि स्क्यू पहचानना है, तो आप क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल होता है, दिस इज A11, A12, A11, A22, A33, ऐसे करते जाते हैं हम लोग, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट के दोनों तरफ के एलिमेंट होंगे सेम, बस एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट की वैल्यू जीरो के बराबर होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल और दिखाना है अगर हम लोग को ऐसे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि लेट कि ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन पता क्या होगा कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए के बराबर आ जाएगा। तो अगर हम ए को ऐसे लिखते हैं ए आई जे बाई स्क्वायर है,
एम क्रॉस एम या एन क्रॉस एन जो भी लिखेंगे हमारे पास, तो जब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे तो ये हमारा हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई और इज इक्वल टू माइनस ए आई जे हो जाएगा ऐसे। ठीक, इसमें किसी को दिक्कत नहीं। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक थ्योरम पूछी जाती है कि प्रूव दैट एलिमेंट ऑफ ए मेन डायगनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। प्रूव दैट एलिमेंट ऑफ ए मेन डायगनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। आप उसको कैसे दिखाओगे कि वो जीरो कैसे आता है, तो ये थ्योरम है। आइए उसको कैसे प्रूव करके आपको दिखाते हैं। ओके, थ्योरम के तौर पे होता है तो इसको आप एज ए थ्योरम ट्रीट करिएगा। ये थ्योरम हमारी होगी कि प्रूव दैट एलिमेंट ऑफ ए मेन डायगनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो। तो इसका प्रूफ आप कैसे करोगे, दो दो लाइन के है बेटा, देखिए। तो आप क्या करोगे कि लेट कैपिटल ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो देन बाई डिफिनेशन ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स ये होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। अगर हम ए को ऐसे लिख रखे तो यहाँ पे हम क्या करते, इन प्लेस ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट ए जे आई, क्योंकि ये अगर एन एम क्रॉस एन है तो यहाँ पे इतना हो जाएगा और ऐसे कर लेंगे, और दिस इज ए आई जे सिंस दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने क्या किया कि यहाँ पे ए जे आई कर दिया और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल तो देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। और फिर आपने पढ़ा है कि फॉर मेन डायगनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई बताएगा, वो होता है आई बराबर जे। मतलब जब भी करोगे तो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए वन वन ए टू टू ए थ्री थ्री, अगर फोर क्रॉस फोर की होती तो ए फोर फोर। तो जब आई बराबर जे हो जाएगा तो दिस इज ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो दिस इज ए टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। फिर आप कहोगे कि सिंस टू इंटू दिस इज इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब ये होता है कि ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दो तो जीरो होगा नहीं। जब ए आई आई जीरो, फिर क्या करेंगे, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू वन टू थ्री जो भी होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे अगर मैट्रिक्स को एम क्रॉस एम लिखा हो या एन क्रॉस एन जो भी लिखा हो, तो अगर यहाँ पे हम एम क्रॉस एम लिखते हैं तो यहाँ पे हम एम कर देंगे, अगर एन क्रॉस एन लिखते तो एन लिखते, तो इस तरह से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। इसका मतलब यही होता है बेटा कि ए वन वन कामा ए टू टू कामा ए थ्री थ्री डॉट डॉट ए एम एम, इट मीन्स ऑल एलिमेंट ऑफ ए मेन डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद अभी तीन थ्योरम बतानी है। पहली थ्योरी में बतानी है कि कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक होगा, ए माइनस ए डैश हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और एक अभी एक थ्योरम प्रूफ करनी है। तो आइए पहले उसको दिखाते हैं आपको। देखिए, इस एक्सरसाइज की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम यही है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और वो मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यूनिक होता है। अब जैसे मान लो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक वर्ड आ रहा है, कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसको प्रूफ करने के लिए हम करते क्या है, आइए देखा जाए कि लेट कैपिटल ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये है तो देन वी कैन राइट दिस मैट्रिक्स ए एज ए बाई टू
प्लस ए बाई टू। एक्चुअली हमें इसमें सिमेट्रिक वर्ड भी दिखाना है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक भी दिखाना है, तो भाई सिमेट्रिक हो चाहे एसक्यू बिना ट्रांसपोज किए तो मिलेगा नहीं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे ए डैश बाई टू एड करके उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम a प्लस ए डैश बाई टू को एक साथ और a माइनस ए डैश बाई टू को एक साथ कर लिया हमने। इसके बाद इस वाली मैट्रिक्स को हमने p बना लिया और इसको हमने q बना लिया और फिर लिखेंगे वेयर p इज अ मैट्रिक्स, इट इज a प्लस ए डैश अपॉन टू, और Q एक मैट्रिक्स हमारी हो गई A माइनस A ट्रांसपोज अपॉन टू। अब हमको प्रूफ ये करना है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसी में से किसी एक को सिमेट्रिक शो करेंगे और दूसरे को स्क्यू शो करेंगे। तो यहाँ पर हमने A को तो P प्लस Q के फॉर्म पर लिख दिया, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब हम क्या करते हैं एक एक करके कि आखिर इस मैट्रिक्स को हम कैसे सिमेट्रिक प्रूफ करेंगे। तो किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, ए मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज है, तो ए प्लस ए डैश भी एक मैट्रिक्स होगी, अगर इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर आ जाएगा तो सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक इसी तरह से ए माइनस ए डैश एक मैट्रिक्स है, अगर इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो जब यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। नाउ दिस पी डैश, पी डैश का मतलब होगा ए प्लस ए डैश अपॉन टू और पूरे का ट्रांसपोज करेंगे। और आपने जो अलजेब्रा पढ़ा था बेटा ऐसे कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना हो तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। ठीक तो यहाँ पे वन बाई टू तो स्केलर है, आपको स्केलर से कोई लेने देना नहीं। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, इसको ए ट्रीट कर लो, इसको बी ट्रीट कर लो, तो ये ए हो जाएगा और ये ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा। फिर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ये होता है, तो हमें इसकी जगह ये लिख दिया, तो वन बाई टू दिस इज ए आ जाएगा, तो ये ए प्लस ए डैश आ गया। तो हमने देखा क्या इज इक्वल टू पी के बराबर आ गया। तो आप यही कहेंगे कि सिंस पी डैश इज इक्वल टू पी, तो देयर फॉर जो मैट्रिक्स पी है ना, पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। जब आप इसके सेकेंड पार्ट पे आओगे, अब हम Q के बारे में चलते हैं। तो Q आपका बेटा ऐसे दे रखा था, तो Q डैश तो इट इज A माइनस A डॉट ट्रांसपोज अपॉन टू, और अलजेब्रा से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज ऑफ A ट्रांसपोज, और वन बाई टू को आप बाहर करोगे बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। और जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये क्यू डैश इज इक्वल टू ये आ रहा है वन बाई टू, और यहाँ पे ए ट्रांसपोज माइनस ए आएगा। और अगर हम इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो इट इज ए माइनस वन बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, और तो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू के बराबर। हम कहेंगे कि सिंस Q डैश इज इक्वल टू Q, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इससे हमने क्या सीखा, तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस ए मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ, तो यहाँ पे हमने बता दिया कि P हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था और Q हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हम इसके यूनिकनेस के लिए कैसे दिखाएं कि आखिर P की वैल्यू A प्लस A डैश अपॉन टू ही आएगी और Q की वैल्यू A माइनस A डैश टू ही आएगी। तो यूनिकनेस के लिए आप क्या करोगे, तो आइए दिखाते हैं। फॉर यूनिकनेस के लिए क्या करते हैं हम लोग, यूनिकनेस के लिए ये करते हैं हम लोग कि मान लेते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारी A थी ना, इट इज अ सम ऑफ अदर टू मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स हमारी R है और दूसरी S है, जहां पे R हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और S हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आखिर जब हम R और S की वैल्यू निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि R और S की वैल्यू P की और Q के बराबर आएगी। तो यहां तक तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कहा कि R हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और S हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
तो अगर हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, किसका, इसी का ट्रांसपोज करते हैं, और इसको अभी तक तो हमने कोई नंबरिंग की नहीं, तो हमने मान लिया इसको वन कर लिया। अगर इसका ट्रांसपोज करोगे तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा, ये होगा आर प्लस एस इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस एस ट्रांसपोज। फिर आप लिखेंगे कि यहाँ पे आर की जगह ऐसे लिख देंगे और इसकी जगह ऐसे लिखेंगे, क्या कि सिंस आर हमारा सिमेट्रिक था तो आर डैश आर के बराबर होगा, और एस अगर सिमेट्रिक है, एस हमारा स्क्यू है तो एस डैश के बराबर होगा। हमने क्या किया कि एस डैश आ गया, इस एस डैश की जगह माइनस लिख दिया, इसको टू बना लिया। फिर क्या करें हम लोग, सॉल्व वन एंड टू को सॉल्व करेंगे। जब वन और टू को सॉल्व करोगे तो वन प्लस टू करोगे अगर ऐसे, तो जब वन प्लस टू करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू जो मिलेगी वो ए प्लस ए डैश अपॉन टू आएगी, और एस की वैल्यू जो आएगी आपकी ए माइनस ए डैश अपॉन टू आएगी, और ये आर जो है ए प्लस ए डैश अपॉन टू इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू पी, और ए माइनस ए डैश अपॉन टू इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज ए क्यू। तो इससे क्या प्रूफ होता है, तो इससे यही प्रूफ होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम लोग सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखते हैं तो उनका रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो यूनिक होता है। क्लियर, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सी दिस इज एग्जांपल, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है तो हम क्या करें, सबसे पहले इसका ए ट्रांसपोज निकाल लें। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को हमने ऐसे बदल दिया, और थर्ड रो माइनस वन और ये टू आ गया आपका। ठीक, अभी हम लोगों ने सीधे थ्योरम पढ़ी थी ना कि सिंस वी नो दैट हम ए को लिख सकते थे ए बाई टू प्लस ए बाई टू प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, और फिर हमने इसी को ऐसे लिखा था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, और ये आया था ए माइनस ए ट्रांसपोज अपॉन टू, और फिर हमने क्या किया था कि इसको P लिखा था और इसको Q लिखा था, वेयर P इज A प्लस ए डैश बाई टू और Q होता है A माइनस ए डैश बाई टू। तो सिंपल हमने कहा था कि जो P हमारा आया था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आती है, लेकिन इसको दिखाएंगे कि कैसे हमारा रहा, और Q हमारा इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया था। आइए हम लोग दिखाते हैं कैसे सिमेट्रिक आएगा और कैसे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अगर हम P की वैल्यू बात करें तो P निकालते हैं, तो P हमारा होगा 1 बाई टू और a प्लस ए ट्रांसपोज सीधे डायरेक्ट, तो 1 बाई टू इज ए स्केलर, इसको बाहर करिए और a में a डैश को जोड़ दीजिए, तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6, माइनस 2 प्लस 3 इट इज ए 1, माइनस 4 माइनस 1 इट इज ए माइनस 5, 3 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, ये आपका माइनस फोर होगा और ये माइनस ऐसे, यहाँ इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये माइनस फाइव आएगा, इसमें इसको ऐड करेंगे तो माइनस फोर आएगा और फोर आ गया। और मैंने आपको ओरल बताया था डायरेक्ट कैसे चेक करेंगे, तो पहचान बेटा आपकी सामने दिख रहा है कि मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम होने चाहिए, सिमेट्रिक तो हो गया। अब इसको चेक करना है कि नहीं, तो इतना तो आ गया हमारा, इतना पी हमारा आ गया। अब हम क्या करें, इसका पी ट्रांसपोज भी करके चेक कर ले। तो यहाँ पे हम लोग अगर पी डैश करते हैं तो 1 बाई टू तो स्केलर, इससे तो आपका कोई लेना देना नहीं, तो ये हो जाएगा 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 एंड माइनस 4 माइनस 4 सॉरी माइनस 5 माइनस 4 एंड 4, तो इज इक्वल टू ये पी आ गया। तो हमने क्या देखा कि सिंस पी डैश इज इक्वल टू पी है, तो देयर फॉर P इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश अपॉन टू इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक, इसी तरह से दूसरा वाला अगर आप चेक करेंगे, हमें चेक करना था Q के बारे में, तो Q हमने लिखा था 1 बाई टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। देखिए तो 1 बाई टू तो स्केलर है, इसको बाहर करिए पहले, इन प्लेस ऑफ A 3 माइनस 2 माइनस 4 थ्री माइनस टू माइनस फाइव माइनस वन वन एंड टू, यहाँ पे माइनस का साइन है। हम क्या करें, इसके हर एलिमेंट में बाहर प्लस साइन लिख के माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस थ्री माइनस थ्री इट इज़ अ प्लस, वन टू टू माइनस वन फोर फाइव एंड माइनस टू, ऐसे कर दिया।
इन दोनों मैट्रिक्स को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? देखिए, तो 1/2 तो बाहर स्केलर है, इसको जोड़ेंगे तो 3 - 3 = 0, -2 और ये -5 आ जाएगा और यहाँ पे ये -3 आ गया, 3 + 2 यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे ये 0 आएगा और दिस इज अ -6, -5 और -1 ये 6 आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो 3 + 2 5 आ रहा, -2 0 आ गया, -2 -5 ठीक है, सही है, कोई छूटा नहीं ना, ओके। इसके बाद ये -1 और +4 ये 3 आ रहा है आपका, ये आपका 6 आएगा और ये आपका 0 आ गया। तो आप देखिए ध्यान से, जो मेन डायगोनल हमारा है, मेन डायगोनल के सभी एलिमेंट 0 हैं और मेन डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट एक प्लस है एक माइनस है, तो देख के तो हमने पता कर लिया कि ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन अगर कैसे प्रूव करेंगे स्क्यू है कि नहीं है, तो यहाँ तक तो आ गए, तो ये तो हमारा क्यू आ जाता है। इसके बाद क्या करें कि अगर हम क्यू डैश करते हैं तो 1/2 स्केलर है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं, और इसके रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर देंगे, तो 5 0 -6 3 6 and 0। तो हम देख रहे हैं कि ये इसके बराबर नहीं है, लेकिन अगर हम इससे माइनस कामा ले लेते तो ईच मेंबर मल्टीप्लाई बाय -sign 0 -5 -3 5 0 -6 3 6 and 0 एंड दिस इज ए नथिंग बट इट इज ए अवर क्यू। तो हमने ये देखा है कि क्यू डैश इज इक्वल टू -Q के बराबर आ गया, तो देयर फॉर क्यू इज हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद अगर हम इस क्यू मैट्रिक्स में पी को ऐड कर देंगे तो ये ए के बराबर आ जाएगा, इस तरह से ये वेरीफाई भी हो जाता है। तो कल के लेक्चर में कुछ इसमें क्वेश्चन थियोरेटिकल थ्योरम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कल मैं आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।